तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K23 की इस महासंग्राम सीरीज में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ना इस महासंग्राम सीरीज के पहले के मैचेस नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी को उन सभी मैचों की जो लिंक है या तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर जाकर आप लोग चाहो ना तो उन सभी मैचों को भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से ये पूछा था ना कि नेक्स्ट मैच में किस सुपरस्टार को टीम का कैप्टन बनाया जाए, तो मुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं दी अंडरटेकर के लिए। यानी कि अपने आज एक टीम के कैप्टन तो दी अंडरटेकर होने वाले हैं और दूसरी टीम के कैप्टन होने वाले हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दी अंडरटेकर सर के साथ ना उनके तो सरप्राइज टैग टीम पार्टनर्स कौन है भाई आज। चलो भाई देखते हैं फिर। अच्छा, पहले सरप्राइज पार्टनर अंडरटेकर सर के साथ आए द फीड भाई, अच्छे सुपरस्टार है, दी अंडरटेकर सर को बहुत अच्छे सुपरस्टार मिले हैं भाई। और दूसरे कौन है भाई, स्टिंग। ओहो हो, आज तो दी अंडरटेकर सर की टीम बहुत ही जबरदस्त बन गई भाई। तीनों के तीनों डार्क कैरेक्टर्स हैं भाई, बाप रे बाप। आज तो मुझे लगता है कि टीम रैंडी ऑर्टन की जो अनडिफीटेड स्ट्रीक अभी तक चली आ रही है ना, आज तो मुझे लगता है कि वो टूटेगी भाई, क्योंकि एक तरफ फिंड और एक तरफ स्टिंग। भाई क्या संयोग हुआ है भाई आज मैच में, यानी कि बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है आज के मैच में। चलो अंडरटेकर सर और रैंडी ऑर्टन ने मैच को शुरू किया, पहले फिनिशर कौन लगाएगा? अरे यार, दोनों में से किसी ने फिनिशर लगाया नहीं। चलो फिलहाल अंडरटेकर सर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन फिनिशर है अंडरटेकर सर आपके पास। सारे ही सुपरस्टार के पास दोस्तों एक एक फिनिशर है भाई, लेकिन फिलहाल तो भाई बॉक्सिंग पंचेस मार रहे हैं अंडरटेकर सर। लेकिन आज अंडरटेकर सर को टीम बहुत अच्छी मिल गई भाई, मतलब आप लोग देखोगे भाई, मतलब रैंडम सुपरस्टार करके भी उनके साथ वही सुपरस्टार आए जो कि हमेशा से ही उनके जैसे ही सुपरस्टार रहे हैं भाई, द फिंड और स्टिंग सर भाई। भले ही फिंड अब हमारे बीच नहीं रहे ना भाई, लगा दिया आरकेओ, लेकिन रैंडी से भी बच के रहना पड़ेगा भाई दी अंडरटेकर सर ने तो। चलो भाई किक आउट कर दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि वाइपर है भाई, कैसे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। अंडरटेकर सर फिनिशर नहीं है ना आपके पास? अच्छा, फिनिशर तो है अंडरटेकर सर के पास और अपने ही कॉर्नर पे मार खा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टैग देना चाहिए, लेकिन मौका भी तो मिले ना टैग देने के लिए। रैंडी मौका देंगे नहीं, दे दिया रैंडी ने, मौका दे दिया भाई। चलो नेथन फ्रीजर मैच में आ चुका है, अंडरटेकर सर फिनिशर इसको लगा सकते हो, फिनिशर नहीं लगाया यार, कुछ भी कहो यार, टीम रैंडी ऑर्टन खेल बहुत अच्छा रही है। चलो फिलहाल अंडरटेकर सर के हाथों को कमजोर कर रहा है ना, ताकि चॉक स्लैम वगैरह ना दे सके, लेकिन अंडरटेकर सर अपने ही कॉर्नर पे हो भाई, एक बार जरा सा कूद मार के फिंड या फिर स्टिंग सर को टैग दे दो ना, तो भाई आज का मैच शायद आप लोग जीत सकते हो भाई, क्योंकि लगातार दो मैचों से रैंडी ऑर्टन की टीम अनडिफीटेड आ रही है भाई अभी तक। तो देखते हैं कि आज के मैच को कौन सी टीम जीतती है भाई, टीम अंडरटेकर जीतेगी या फिर टीम रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से नेक्स्ट मैच में जाएगी। और दोस्तों, नेक्स्ट मैच में किस सुपरस्टार को ना कैप्टन बनाना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? फिनिशर है क्या नेथन फ्रीजर का ये? अंडरटेकर सर एलिमिनेट मत होना मैच से, फिनिशर लगा दिया, दूसरा फिनिशर लगा दिया यार, ओ भाई एलिमिनेट भी कर दिया, ले अंडरटेकर सर को एलिमिनेट कर दे। फिंड है ना, फिंड और स्टिंग है, तो यानी कि मैच में जीतने की संभावना है भाई टीम डी अंडरटेकर की भी अभी भी। अरे यार, फिनिशर छीन लिया यार, लेकिन फिंड को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है भाई नेथन फ्रीजर, तेरे लिए बहुत ही हार्ड टास्क होने वाला है भाई ये, क्योंकि फिंड है भाई, भले आज हमारे बीच नहीं रहे ना द फिंड ब्रे वाइट, लेकिन गेम में तो हम हमेशा इनका उपयोग करेंगे भाई। देखते हैं भाई दोस्तों, WWE 2K24 में हमें क्या देखने को मिलता है, फिंड का मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर मिलता है या फिर उसमें भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा फिंड को भाई? मेरे हिसाब से ब्रे वाइट का कैरेक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, पर मैं चाहता हूँ कि अगर ब्रे वाइट के जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक रहे हैं ना, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स भी अगर हमें मिल जाते मजा आता भाई। लेकिन देखते हैं 2K क्या करता है भाई, इतना सम्मान तो कर ही सकता है यार ब्रे वाइट का कम से कम, क्योंकि बहुत अच्छे सुपरस्टार थे यार अब। लेकिन चलो भाई, बहुत ही कम समय में हमको छोड़ के चले गए यार अपने ब्रे वाइट। स्टिंग सर फिनिशर है आपके पास, इसने तुम्हारे दी अंडरटेकर टीम कैप्टन को एलिमिनेट कर दिया भाई, तो आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हो ना नेथन फ्रीजर को, नॉर्मल रूप से क्यों मार रहे हो भाई? क्योंकि इन सुपरस्टार्स के पास अगर फिनिशर आएगा तो चिपकाए बिना रहेंगे नहीं। अंडरटेकर सर को एलिमिनेट कर रखा यार इस क्रूजरवेट सुपरस्टार ने, मतलब अंडरडॉग सुपरस्टार ने एक बिग डॉग सुपरस्टार को बाहर कर दिया आज के मैच में। फिलहाल स्टिंग सर उनके साथ मामूली खेल खेल रहे हैं, फिनिशर तो लगा ही सकते हैं ना यार, फिनिशर लगा देते डेड ड्रॉप, लेकिन अच्छा लगा रहे फिनिशर लगा रहे। चलो भाई सुन लिया भाई, मेरी बात सुन ली स्टिंग सर ने, फिनिशर लगा रहे हैं, लगा दिया डेड ड्रॉप, स्कॉर्पियन डेड ड्रॉप लगा दी, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ यार अभी तक नेथन फ्रीजर। अच्छा, एक ही फिनिशर लगा है ना अभी तक, तभी मैं कहूँ यार अंडरटेकर सर मजबूत खिलाड़ी एलिमिनेट हो गए मैच से, लेकिन नेथन फ्रीजर अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि अंडरटेकर सर को दो फिनिशर पड़ चुके थे ना यार, इसीलिए वो मैच से एलिमिनेट हो गए पहले। अच्छा, अभी टीम रैंडी में से अपने कैप्टन तो बचे हुए हैं रैंडी ऑर्टन, फिनिशर नहीं है स्टिंग सर के पास, सिग्नेचर एलिमिनेट कर दिया, बहुत अच्छा स्टिंग सर ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिनिशर से बचना पड़ेगा भाई, क्योंकि अपने
अच्छा बिग डॉग के पास फिनिशर, हाँ एक फिनिशर तो सभी को दिया है ना मैं स्टार्टिंग में, ये लो भाई फिंड और बिग डॉग आमने सामने। अब देखते हैं कि अच्छा बिग डॉग नीचे क्या कर रहे हैं यार, बिग डॉग रिंग के नीचे जाके क्या कर रहे हो आप, रिंग के ऊपर आना है भाई, फिंड ऊपर है, रिंग के अंदर लड़ना है। ठीक है मुझे लग रहा है यहाँ खाएंगे पावर बॉम्ब भी, रिंग के एप्रन पे या फिर नीचे, रिंग के एप्रन पे खाएंगे भाई पावर बॉम्ब, फिर से पटका है भाई। अच्छा बिग डॉग के पास फिनिश, अरे फिंड ये क्या कर, फिनिशर लगा देगा वो, फिंड मौका मत देना, फिनिशर लगा देंगे हम वरना बिग डॉग, फिंड के पास मौका, अच्छा रिंग के अंदर जा सकते हैं फिंड। अच्छा फिंड के पास कुछ सिग्नेचर है, फिंड के पास सिग्नेचर तो है लेकिन मौका दिया नहीं ट्राइबल चीफ ने सिग्नेचर लगाने का। चलो भाई अपने वाइपर रिंग के अंदर आ चुके हैं यानी कि अब स्ट्राइक होने वाले, लेकिन फिनिशर वगैरह कुछ नहीं है अभी, फिंड के पास बहुत अच्छा मौका है, इनके पास फिनिशर वगैरह कुछ भी नहीं है लेकिन डीडीटी पे डीडीटी लगाए जा रहे हैं, फिंड फिनिशर है आपके पास, फिनिशर लगा देते यार रैंडी ऑर्टन को। नहीं 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 ये सिंपल मूव्स क्यों खेल रहे हो रैंडी के साथ, फिनिशर लगाओगे तो मैच में बढ़त पाओगे भाई, वरना तो जाओगे मैच से देख लेना आप। क्लोज लाइन, चलो ऐसे मार मार के अगर अपने पास सिग्नेचर और फिनिशर दोनों ले आते हैं ना फिंड तब तो बहुत ही अच्छा है भाई। बिग डॉग रिंग के अंदर आ चुके हैं, फिनिशर है इनके पास, अरे रे रे फिनिशर लगा ही रहे थे ब्रेवाइट यार, स्पेयर रिवर्स कर दिया बहुत अच्छा, दो फिनिशर आ चुके, दो फिनिशर लगभग आ चुके हैं फिंड के पास, घुमा दी ट्राइबल चीफ की गर्दन, फिनिशर है दो दो फिनिशर है, लगा दो सिस्टर एविगेल, अरे सिस्टर एविगेल लगाना है फिंड, अरे अरे सिस्टर एविगेल लगाना है, सिस्टर एविगेल फिनिशर का इस्तेमाल करो भाई, फिंड फिनिशर का इस्तेमाल करो, मैंडेमन क्लॉ लगा के, नहीं 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 मैंडेमन क्लॉ नहीं है, मैंडेमन क्लॉ नहीं है भाई। अच्छा रेफरी को भी देखते रहना ठीक है, काउंट आउट मत हो जाना भाई, मैंडेमन क्लॉ दो फिनिशर, अरे रिवर्स कर दिया अपने बिग डॉग ने। वैसे अभी तो मुझे लगता नहीं कि फिंड इतने जल्दी एलिमिनेट होंगे, सिग्नेचर है लेकिन बिग डॉग के पास, बस ग्लिच ना करे तो गेम अपने कॉर्नर पर ले गए बिग डॉग। चलो टैग दे दिया, डबल टीम करेंगे इनके ऊपर, अब फिनिशर तो बनता था यार, फिनिशर क्यों नहीं लगा रहे हैं। रैंडी आपके पास सिग्नेचर है भाई, लगा सकते हो, लगा दिया सिग्नेचर, मेरे हिसाब से ये सिग्नेचर है रैंडी का, डीडीटी नहीं सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है भाई। अच्छा रोप से बाहर निकाल के जो डीडीटी लगाते हैं ना वही इनका फिनिशर होगा, मेरे सिग्नेचर होगा मेरे हिसाब से। चलो फिर से अपने कॉर्नर पर, रिवर्स कर दिया, अरे यार बिग डॉग ने अगर छेड़ा नहीं होता तो सिग्नेचर लगा ही दिया था, स्टंट कर दिया भाई। अब फिर एक काम करो टैग दे दो भाई अपने स्टिंग सर के पास, फिनिशर लगा दिया भाई, लगा दिया फिंड को, लगा दिया अपना सिग्नेचर, वाइपर कहाँ छोड़ने वाले, लगा दिया सिग्नेचर, लगा दी डीडीटी और एलिमिनेट भी कर दिया भाई। भाई 100 ओवरऑल था यार फिंड का, उसके बावजूद भी मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। लगा दी स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप, लगा दी स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप, लेकिन स्टिंग सर अब अकेले बच चुके हैं यार आज के मैच में, कर पाएंगे कुछ कमाल ये लाइन है, मुझे नहीं लगता भाई कि आज के मैच में कुछ कमाल करने वाले हैं करके, लेकिन हो सकता है कि भाई डेडमैन की कोई शक्ति आ जाए भाई इनके अंदर, हो सकता है कि कुछ कमाल कर दें, लेकिन जिस हिसाब से हरकतें कर रहे हैं ना मुझे लगता नहीं कि आज के मैच में जीतेंगे करके। यार दोनों के दोनों टैग टीम पार्टनर जिनसे भी मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद थी वो दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए भाई मैच से, अब स्टिंग सर अकेले बचे हुए हैं। लो भाई डबल टीम कर दिया यार, रैंडी की टीम अभी तक अनडिफीटेड जा रही है भाई, लगभग दो मैच लगातार, दो या तीन मैच लगातार जीत चुकी है, सुसाइड डाइव रिवर्स कर दी बहुत अच्छा। अगर नीचे भी अपनी स्कॉर्पियन डेड ड्रॉप लगा देते हैं ना तो एलिमिनेट हो सकते हैं बिग डॉग नीचे भी, क्योंकि भाई नॉकआउट तो नीचे भी हो जाते हैं ना सुपरस्टार। फिर ये क्या कर रहे हो भाई, यहाँ क्या कहाँ आ रहे हो, जाना है तो उस तरफ से निकल जाओ ना भाई। चलो बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से रिंग के अंदर डालेंगे अब स्टिंग, फिनिशर तो है इनके पास, फिनिशर और सिग्नेचर दोनों के दोनों है इनके पास। अच्छा रिंग के अंदर आ जाओ भाई स्टिंग, अरे फिर से, अरे बाप रे बाप, अपने भाई बिग डॉग तो इधर उधर से मार रहे हैं सुसाइड डाइव। चलो रिंग के नीचे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिंग सर की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है अब, लेकिन बॉडी का अभी भी कोई भी हिस्सा डैमेज नहीं है, तो यानी कि स्टिंग सर अभी मैच में एक आध फिनिशर और खा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिग डॉग नीचे लताड़ लताड़ के मार रहे हैं भाई स्टिंग सर को, जैसे कि ये कहना चाह रहे हो कि WWE के मैच में आप आए कैसे करके, क्योंकि अभी स्टिंग WWE का हिस्सा नहीं है ना भाई। आई थिंक स्टिंग अभी AEW में है, मतलब जितना मैं जानता हूँ कि स्टिंग सर अभी AEW में है, तो मेरे हिसाब से कभी ना कभी, नहीं आप क्या करते हैं यार रिटर्न करके भी, अब स्टिंग सर के वापस आके भी कोई फायदा तो नहीं है, बुड्ढे हो चुके हैं भाई स्टिंग सर। अरे एलिमिनेट मत होना, काउंट आउट से एलिमिनेट नहीं होना है भाई, डेड ड्रॉप लगा सकते थे स्टिंग सर पता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिनिशर को अगर इस तरह से भाई वेस्ट करोगे ना तो अपोनेंट टीम तो भाई तुम्हारे गुर्दे छील के रख देगी। अब जाके स्टिंग सर की पूरी जो बॉडी है ना येलो हो चुकी है। चलो भाई टैग दे दिया फिर से अपने वाइपर को, फिनिशर है वाइपर के पास,
लगा दिए भाई, उछल के क्लोज लाइन मारी है। सिग्नेचर नहीं, फिनिशर है, फिनिशर स्टिंग सर के पास। नहीं नहीं, नॉर्मल मूव से कुछ नहीं होने वाला वाइपर को। नहीं 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 नहीं, स्टिंग फिनिशर है आपके पास, फिनिशर लगा सकते हो वाइपर को। फिनिशर लगा दिया, बहुत अच्छा। स्कॉर्पियन डेड डॉग, मेरे हिसाब से रैंडी भी नहीं। अरे यार, रैंडी अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए मैच से। बिग डॉग बचा लेंगे, बिग डॉग ने बचा लिया, लेकिन स्टिंग सर के पास अभी फिनिशर वगैरह कुछ नहीं है। आरके और लो ब्लो, ओ भाई रेफरी नीचे सोया हुआ है, तो भाई अपने रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ के बदले भाई लो ब्लो लगा दिया। आरकेओ, ओरे रेफरी यार, चलो रेजिलेंसी तो है उनके पास, लेकिन रैंडी ने बड़ा पाप किया भाई आज के मैच में। रेजिलेंसी है स्टिंग तुम्हारे पास? रेजिलेंसी थी भाई स्टिंग। अच्छा, लो ब्लो यूज होने के बाद मुझे लगता है कि स्टिंग सर अपनी रेजिलेंसी भी इस्तेमाल करना भूल गए, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी भाई। भाई रैंडी ऑर्टन की इस टीम को कौन सी टीम हराएगी भाई? अभी तक तीन से चार मैच, मेरे हिसाब से चार मैच लगातार जीत के टीम रैंडी ऑर्टन लगातार नेक्स्ट मैच में जाते रह रही है भाई। ये टीम मुझे लगता है कि अनडिफीटेड होती है अब तो। चलो दोस्तों, हमारा जो आज का ये मैच है ना, वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज का ये महासंग्राम में सीरीज का मैच अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो। टाटा बाय बाय।